बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे, जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वह दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। यहाँ फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है कि गदर में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। गदर 2 में अनिल शर्मा भारत पाकिस्तान की लड़ाई पेश करेंगे। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे। इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेगा। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वे बाप बेटे के रिश्ते के फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वे एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।